आज हम डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के अंतर्गत लेक्चर 26 में लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन एज पर आईएस कोड 456 2000 के अनुसार डिजाइन ऑफ सिंगल रिइंफोर्समेंट बीम को एक एक्सरसाइज लेकर आपको एक्सप्लेन करेंगे और इसको एक्सरसाइज सॉल्व करके बताएंगे, ताकि आपको जो फंडामेंटल हमने बताए हैं पिछले लेक्चर्स में वो आपको और क्लियर हों। और हमारे आपसे निवेदन है कि आप लोग जो है हमारे पिछले लेक्चर क्रम वाइज देखें सभी को, ताकि आपको समझने में आसानी हो और याद भी, अगर समझ लेंगे तो याद भी जल्दी होगा। तो हमारी आज की एक्सरसाइज है सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम 250 mm by 400 mm इन सेक्शन इज रिइंफोर्स्ड विद 3 bars of 16 mm डायमीटर विद एन इफेक्टिव कवर ऑफ 50 mm इफेक्टिव स्पान ऑफ द बीम इज 5 meter यूज M20 ग्रेड कंक्रीट एंड Fe 500 ग्रेड स्टील डिटरमाइन द मैक्सिमम परमिसिबल इनफॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दैट कैन बी कैरीड बाय द बीम। तो हमारी ये बीम है जिसका इफेक्टिव स्पान 5 मीटर दिया हुआ है ऑलरेडी इन एक्सरसाइज में, और माना कि इस UDLW किलोमीटर पर मीटर है इसके ऊपर, और ये जो उसको हमको निकालना है। और बीम का सेक्शन है 400 mm कैपिटल डी है और 250 mm जो है विथ ऑफ बीम बी है। तो इफेक्टिव इससे हमने जो है इफेक्टिव कवर दिया, इफेक्टिव डेप्थ निकालेंगे डी इक्वल टू 400 माइनस कवर 50 mm। तो ये इफेक्टिव आ गया 350 mm विथ ऑफ बीम 250 mm FCK इक्वल टू 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर M20 ग्रेड कंक्रीट के लिए F/500 ग्रेड स्टील के लिए Fi इक्वल टू 500 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर AST 3 बार्स प्रोवाइडेड हैं 16 mm के, तो इसका जो है एरिया ऑफ स्टील होगा 3 × 5/4 × 16 का स्क्वायर इक्वल टू 602.88 mm स्क्वायर अज्यूमिंग अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन और बैलेंस सेक्शन। तो इसके लिए कोई हॉरिजॉन्टल इक्वल कंडीशन के लिए C इक्वल टू T कंप्रेसिव फोर्स ऑफ इन कंक्रीट इक्वल टू टेंसाइल फोर्स इन स्टील, तो C इक्वल टू 0.36 FCK B इनटू XU। XU क्या है? डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सियस XU है, और इक्वल टू 0.87 F/ST। तो ये स्ट्रेसन स्टील है और ये एरिया ऑफ स्टील है, तो ये टेंसाइल फोर्स हो जाएगा। तो XU इक्वल टू दिस स्क्वायर ऑफ द 0.87 F/500 और ये ST इक्वल टू एरिया निकाला 602.88 अपॉन ये आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इनटू FCK 20 है और B 250 है विड्थ ऑफ बीम। तो XU निकाला हमने, तो इसको 145.70 mm आया। XU लिमिट की वैल्यू जो है ये D इनटू ये D तो ये है 350 निकाला, और ये 500 ग्रेड स्टील के लिए जो है ये इसकी वैल्यू होती 0.46 का भी हमने बताया था, उसके एक्सप्रेशन हमने ड्राइव भी किया था कि अगर Fe 250 हो तो 0.53 होता है, Fe 415 हो तो 0.48 होता है, और Fe 500 है तो 0.486 वैल्यू होती है। इसको सॉल्व करने पे हमारा आया XU लिमिट इक्वल 161 mm। तो हम देख सकते हैं XU इतना 145.70 है और XU लिमिट इक्वल 161 mm है, तो XU इज लेस देन XU लिमिट, इसका मतलब ये अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन है। तो हमने जो अज्यूम किया अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन दैट इज करेक्ट। तो अब इसमें हमने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस या फैक्टर मोमेंट इक्वल टू सी इंटू लीवर आर्म, सी हम निकाल लेते हैं 0.06 इंटू FCK इंटू बी इंटू लीवर आर्म बी इंटू XU और इंटू डी माइनस 0.42 XU ये 0.42 XU जो हमने पहले भी बताया इस प्रकार से आता है। तो एम इक्वल टू ये हमने इसको हल किया इक्वल टू 77.5742 और 261.56 न्यूटन मीटर। तो इसको इस रूप में कन्वर्ट किया 75.74 इंटू 10^6 न्यूटन मीटर, एम इक्वल टू 75.74 किलो न्यूटन किलो न्यूटन पर मीटर। लेट डिजाइन UDL इक्वल टू WU पर मीटर लेंथ, तो MU का WL स्क्वायर अपॉन एट बेंडिंग मोमेंट के अनुसार से मालूम सिंपली सपोर्टेड केस में रहता है। तो MU हमने निकाला, इसकी वैल्यू ये है, यहाँ पुट अप कर दिया
डब्ल्यू यू इंटू एल क्या 5 मीटर है, तो 5 के स्क्वायर अपॉन 8 रख दिया, डब्ल्यू यू को सॉल्व किया तो हमने 24.237 किलोमीटर पर मीटर आया। तो टोटल डब्ल्यू कितना आया ये अपन मालूम है कि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.5 लेते हैं W निकालने के लिए, तो W निकालने के लिए इसको डिवाइड कर दें, W में W1.5 डिवाइड करेंगे तो W की वैल्यू आ जाएगा, यानी UDL या इंपोज लोड आ जाएगा 24.237 अपॉन 1.5, इसकी वैल्यू आई W इक्वल टू 16.158 किलोमीटर पर मीटर। अब सेल वेट भी इसमें इंक्लूडेड है, तो सेल वेट कितना है 0.25 जो ब्रिक्स है, 0.4 डेप्थ है, और 25 जो है ग्रेविटी ऑफ द कंक्रीट है, डेंसिटी ऑफ कंक्रीट है, तो इसकी 2.5 किलोमीटर पर मीटर आया। तो नेट इंपोज लोड यानी यूडीएल ऑन द बीम आया 16.158 माइनस 2.5, जिसकी वैल्यू आया 13.66 किलोमीटर पर मीटर। तो यही हमारा आंसर है, हमको यही निकालना था, आपको जरूर समझ में आया होगा। तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टूडेंट को शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। ओके, थैंक्स।